अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां एक ऐसा बैंक, ऐसी बैंक रॉबरी हुई है जहां बैंक लूटने गया लुटेरा खुद ही लूट गया। लुटेरे को पैसे नहीं मिले तो वो अपनी पिस्टल बैंक में ही छोड़ गया और पुलिस ने जब जांच की तो वो पिस्टल नकली निकली। नकली पिस्टल से लूटने आया बैंक, बैंक लूटने आया तो लूट गया लुटेरा। ये महाराष्ट्र के उल्हासनगर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तस्वीर है और ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। शाम के 6:30 बज रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बैंक में बहुत कम भीड़ है। इस बीच बैंक में एक लुटेरा दाखिल होता है। लुटेरे ने चेहरे पर हेलमेट पहन रखा है। लुटेरा बैंक में दाखिल होते ही बंदूक निकाल लेता है। लुटेरा बैंक में मौजूद सभी लोगों को बंदूक के दम पर एक तरफ ले जाता है। पैसे हमने उनको कहा कि पैसे अभी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमारा जो वॉल्ट रूम है वो बंद हो चुका है। तो उसने बोला कहाँ है वॉल्ट रूम, दिखाओ। तो उनको दिखाया। लुटेरा अपना बैग एक बैंक कर्मचारी को देता है और कहता है कि इसमें रुपए भर दो। उसने बोला क्या है, बैंक बंद हो गया है। और नहीं, चलो अंदर, वापस चलो। उनको लेके आए अंदर और आके हमसे डिमांड करने लगा पैसों की। सबको एक जगह पे लेके गया और उनके हाथ में जो बैग था उन्होंने बोला उसमें पैसे डाल दो। बैंक लूटने आया ये शख्स खुद जाकर वॉल्ट रूम चेक करता है और पैसे न मिलने पर सभी कर्मचारियों को बंद करके निकल जाता है। मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो उसे पता चला कि इस पूरी घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल नकली है। तो इस तरीके से नकली लुटेरा था जो कि लूट तो नहीं सका बैंक, लेकिन